इंडियन फैंस की तरह बॉलीवुड एक्टर्स के पाकिस्तानी फैंस भी अपकमिंग मूवीज के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उनके हाथ आती है केवल निराशा। जी हाँ, हम आपको दिखाने वाले हैं 5 ऐसी मूवीज जिन्हें पाकिस्तानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ने किया बैन। रेस 3। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म रेस 3 का पाकिस्तान में भी हो रहा था काफी इंतजार, लेकिन ये मूवी पाकिस्तानी दर्शक नहीं देख पाएंगे। दरअसल पाकिस्तानी सेंट्रल बोर्ड का मानना है कि ईद के आसपास अपने यहाँ बनने वाली मूवीज को प्रमोट किया जाए, ना कि हिंदुस्तानी मूवीज को, इसलिए ये मूवी कर दी गई बैन। वीरे दी वेडिंग। ये मूवी 4 लड़कियों की दोस्ती और रिलेशन के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, लेकिन CPFC ने फिल्म पर अश्लील भाषा और आपत्तिजनक डायलॉग्स के चलते बैन लगा दिया। राजी। आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म राजी को काफी पसंद किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेंट्रल बोर्ड का मानना है कि इस फिल्म में विवादित कंटेंट है और इसमें पाकिस्तान की नेगेटिव छवि दिखाई गई है, इसलिए पाकिस्तान में की गई ये मूवी भी बैन। टाइगर जिंदा है। सलमान की मूवी टाइगर जिंदा है को भी पाकिस्तानी सरकार ने बैन कर दिया था और वजह ये बताई गई थी कि इस मूवी का कंटेंट है एंटी पाकिस्तानी। पैडमैन। अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर की मूवी पैडमैन को वर्ल्ड वाइड काफी पसंद किया गया, लेकिन ये मूवी पाकिस्तान में ये बोल के बैन कर दी गई कि ये हमारी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। दरअसल ये मूवी महिलाओं और पीरियड से जुड़ी थी, जिसकी वजह से किया गया इस मूवी को भी पाकिस्तान में बैन।